प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनेस समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। ये पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 41% की रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। पिछली बार वे 6ठे नंबर पर थे। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस बार 10वें से 20वें स्थान पर खिसक गए हैं। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज, जिन्होंने 63% लोगों ने वोट दिया। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनेसन हैं, जिन्हें 58% लोगों ने पसंद किया है। ये सर्वे इस साल 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किया गया था। मोदी इस रेटिंग लिस्ट में पिछले 2 साल से लगातार टॉप पर बने हुए हैं। जनवरी में कराए गए सर्वे में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा थी। इसी साल 13 से 19 जनवरी के बीच 71% लोगों की पसंद के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। सितंबर 2021 में मोदी को फिर से सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता का दर्जा मिला था। इससे पहले मई 2020 में 84% लोकप्रियता के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया था। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर साल 2021 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग पीक पर थी। तब कोरोना के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने देश को पूरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस मुश्किल हालात से जल्द ही निजात पा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में सबसे ज़्यादा 84% थी। तब भारत कोरोना महामारी से बाहर निकल रहा था। इसी साल जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। जून में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% थी। मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग में गिरावट भी आई है। दी मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग 7 दिनों के मूवी एवरेज के आधार पर निकाली जाती है। इस कैलकुलेशन में 1 से 3% का प्लस माइनस मार्जिन होता है, यानी अप्रूवल और डिसअप्रूवल रेटिंग में 1 से 3% की कमी या वृद्धि हो सकती है। इस आंकड़े को तैयार करने के लिए मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत में करीब 2,126 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू किया था। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।